नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा मोगरा का प्लांट है और इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कुछ करीब 20-25 दिन पहले शेयर की थी। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट अपडेट कि पूरा पौधा एक तो कितना घना हो गया है और दूसरे सभी ब्रांचेज में कलियाँ निकल गई हैं, सब खिली हुई हैं और जो नहीं खिली हैं वो भी नहीं रही, कलियाँ चल रही हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मोगरा का पौधा काफ़ी खूबसूरत होता है और इसकी जो फूल होते हैं वो काफ़ी खुशबूदार होते हैं। तो एक पौधा ही आपके पूरे गार्डन को खुशबू से भर देता है। जैसे ये अभी इतना फूल खिला हुआ है इस पौधे में और मेरे पूरे गार्डन में इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है और इस पॉजिटिव फ्रेग्रेंस की वजह से काफ़ी पॉजिटिविटी होती है जब आप इसके आसपास होते हैं। तो इसलिए मोगरा का फूल जो है काफ़ी ज़्यादा गार्डन के लिए पॉजिटिव माना जाता है या फिर घर के लिए भी। तो कैसे केयर करें, ये तो थी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स कैसे लें। अब रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है और जब फ्लावर्स आपके ब्रांचेस पे हैं उस समय इसकी केयर कैसे करनी है, क्या कंपोस्ट इसमें देनी है और बरसात में इस पौधे को कैसे बचाना है, कहाँ रखना है, वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मोगरा पौधे के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, जिसमें पहली चीज़ कि इसकी मिट्टी जो है, अगर आपके पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप मिट्टी को चेक कीजिए। मिट्टी में ड्राइनेस बनी रहती होगी तो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा पौधा, तो उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, काफ़ी हैवी फीडर प्लांट्स होता है मोगरा, इसको कंपोस्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। तो इसको जो है कंपोस्टिंग हर 15 दिन पे एक बार ज़रूर करें। अब क्या कंपोस्टिंग करनी है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो उसको कर ले। और अब रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो उसमें भी कुछ कंपोस्ट है जो मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ, तो आप उसको भी ध्यान से देखें और अपने पौधों में यूज करें। अब तीसरी चीज़ बताऊं दोस्तों कि इसकी जो है हर 15 दिन पे एक बार गुड़ाई ज़रूर करें पौधे की, क्योंकि अगर गुड़ाई नहीं करेंगे आप तो इसमें एरेशन नहीं होगा और फिर पौधे की जो रूट्स है वो नीचे मॉइस्चर की वजह से फिर वो गलने लगती है, तो गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोगरा का पौधा फुल सनलाइट में, आपको फुल डे की सनलाइट देनी है इसको, ये सनलाइट को पसंद करने वाला पौधा है। अगर आप इसे सनलाइट नहीं देंगे तो ये पौधा बूसी और ग्रीन नहीं होगा, फ्लावर्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो कम से कम दिन की 6-7 घंटे की धूप इस पौधे को आपको देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंपोस्टिंग के लिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है, कुछ जगहों पे स्टार्ट हो गया है, तो रेनी सीजन में फंगस और जो ड्रेनेज की वजह से होने वाली समस्या, जिससे कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली रह जाती है तो रूट्स जो है डैमेज होने लग जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं, जिसमें कि आप फंगीसाइड पाउडर को हल्का फुल्का मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा मिट्टी की जो गुड़ाई करते रहें, पानी पॉट में रुके ना, उसकी भी देखभाल करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बारिश में देखभाल कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कंपोस्टिंग की, तो क्या कंपोस्ट हमें रेनी सीजन में अभी इस पौधे को देना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊं कि जब पौधा आपको फ्लॉरिंग स्टेज में है, देखिए इसमें ढेर सारे फूल हैं और ढेर सारी कलियां हैं, बड्स हैं, खिली हुई हैं और अभी नई नई कलियां निकल रही हैं, तो ऐसे में इसको हैवी फीड चाहिए, कंपोस्ट हैवी कंपोस्टिंग की जरूरत है अभी पौधे को। तो आपको तो इसके लिए हमें जो देना है हर 10 से 15 दिन पे इसमें कंपोस्टिंग करनी है। और कंपोस्टिंग में देखिए मैं जो दोस्तों प्रेफर करता हूँ वो है काउडंग कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, किचन वेस्ट से निकला हुआ कंपोस्ट यूज़ करें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस प्रकार देखिए मैंने काउडंग कंपोस्ट ले लिया है और इस काउडंग कंपोस्ट में मैं मिलाऊंगा करीब करीब 1 मुट्ठी नीम खली। नीम खली जो होता है उसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि हमारे पौधे को फंगस से भी बचाता है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करता है। तो नीम खली को भी मिलाएंगे हम, और इसके साथ साथ हम मिलाएंगे ह्यूमिक एसिड। दोस्तों ह्यूमिक एसिड जो होता है वो रूट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करता है, रूट्स की जो कार्य प्रणाली है उसको बढ़ा देता है, एक तरह से आप कह लीजिए रूट को एनर्जी प्रदान करता है। अगर पौधे की रूट हेल्दी होगी तो पूरा पौधा हेल्दी होगा। तो करीब करीब मैं देखिए ये 100 ग्राम के आसपास ह्यूमिक एसिड इस कंपोस्ट में जो मैं इसे देता हूँ उसमें मिला दूंगा, तो रूट्स को हमें ज़्यादा
केयर करनी है, रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखना है। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और मिला के हमने जो है इस पॉट की मिट्टी को अच्छे से ढीला कर लेना है, किसी टूल की मदद से गुड़ाई कर लेनी है। देखिए मेरे इस गमले में मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, तो मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है। और ये देखिए हमने इसकी गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करते समय ये ध्यान रखें कि जो नीचे की रूट्स हैं वो डैमेज ना हो, और फिर आपको मिट्टी साइड साइड से जो रूट्स मेन स्टेम है इस मेन स्टेम के पास थोड़ी मिट्टी चढ़ा लीजिए आप, और बाकी साइड से मिट्टी थोड़ी साइड साइड में हल्की करके जगह बना लें, जिससे कि हमें कंपोस्टिंग करने में आसानी हो। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए रूट्स जो हैं, जो फीडर रूट्स हैं ये काफ़ी हेल्दी रूट्स हैं, जो आपको दिख रही हैं वाइट वाइट रूट्स हैं, इसमें बिल्कुल भी ब्लैकनेस नहीं है। तो जितनी हेल्दी रूट्स होंगी उतनी ही आपका पौधा हेल्दी होगा और उतनी ही ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने मिट्टी साइड कर ली है। अब जो कंपोस्ट हमने बनाई है इस कंपोस्ट को हम इसमें भर देंगे। तो इस 12 इंच के पॉट में लगा हुआ पौधा है मेरा, इसमें करीब मैं आधा से एक किलो के आसपास कंपोस्ट हर 15 दिन पे 20 दिन पे एक बार जरूर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इसे फिर वापस से कंपोस्टिंग डालने के बाद वापस से मिट्टी से वापस इसे कवर कर देना है, और कवर करने के बाद हमने इसमें कर देनी है वाटरिंग, जिससे कि जो हमने कंपोस्ट दिया उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर के साथ डिजॉल्व होके रूट्स को जल्दी से जल्दी मिल जाए। फिर दोस्तों देखिए हमने कर देनी है इसमें वाटरिंग, और वाटरिंग करनी है इतनी मात्रा में कि जो हमारी कंपोस्टिंग है उस वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो और रूट्स को आसानी से फीड होती रहे। तो रूट्स को उन्हें फीड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमने वाटरिंग कर दी। अब जो भी कंपोस्टिंग हमने दी है वो वाटर में डिजॉल्व होके रूट्स को काफ़ी ईजली और जल्दी मिल जाएंगी। अब इसके अलावा दोस्तों ये कंपोस्ट देने के करीब 10 से 12 दिन बाद, अभी तत्काल नहीं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरा बायोएंजाइम घर का बनाया हुआ है, जिसमें कि मैंने जो घर की सब्जियाँ जो छिलके वेस्ट होते हैं वो फूल जो गार्डन से निकलते हैं पत्तियाँ, इन सभी को करीब करीब एक हफ्ते तक पानी में डाल के छोड़ देने के बाद उसे छान के निकाल के बनाया हुआ ये बायोएंजाइम है, जिसमें आप कह सकते हैं सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, पौधे की ग्रोथ के लिए जो भी सहायक एलिमेंट्स होते हैं वो सभी इसमें मौजूद मिलेंगे आपको। तो ये और ये जो आप देख रहे हैं ये है छाछ, तो काफ़ी पुरानी छाछ है ये, मैंने काफ़ी टाइम से स्टोर करके रखा हुआ है, तो जितनी छाछ पुरानी हो सड़ी हो उतना बेहतर होता है। इन दोनों को हम एक एक गिलास बराबर मात्रा में लेंगे और मिला के इस पौधे को ये कंपोस्ट देने के करीब 15 दिन बाद इसमें फीड कराएंगे, तो आप देखिएगा इसमें फ्लावर्स की संख्या डबल हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ भी आपकी काफ़ी हैवी होगी, पौधा बूसी हो जाएगा। तो इसको तत्काल नहीं देना है, सारे कंपोस्ट एक साथ नहीं देने हैं, जब हमने ड्राई कंपोस्ट दे दिया है और इसको 10 से 15 दिन छोड़ देंगे, 15 दिन बाद हम 10 से 15 दिन के बीच में ये दोनों कंपोस्ट को आपस में मिला के देंगे। ये पौधे की बूस्ट, पौधे की जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करने में और फ्लावरिंग जो है उसको बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी, क्योंकि इसमें आपको मैं फिर से बता दूं हर प्रकार के एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें कि पौधे की ग्रोथ के लिए जो भी जरूरी एलिमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसको अगर नहीं बनाया है आपने तो बना लें, और कैसे बनाना है ये चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।